इंदौर में बुधवार रात एलआईजी चौराहा स्थित केयर सीएचएल हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आईसीयू में अचानक आग लग गई, जिससे वहां भर्ती 5 मरीजों की जान पर बनाई। इससे हॉस्पिटल में भगदड़ के हालात बन गए। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे एक मरीज को आईसीयू बेड पर शिफ्ट कर रहे थे, तभी इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट हो गया और आईसीयू में धुआं भर गया, जिसके बाद वहां भर्ती 5 मरीजों को कांच और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया और दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस दौरान मची अफरा तफरी के बीच कई परिजन अपने मरीजों को ढूंढते रहे, जिसके चलते कई बार विवाद की स्थिति भी बनी। सूचना पर फायर ब्रिगेड, नगर निगम और पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और परेशान मरीजों व उनके परिजनों को समझाया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने यह जानकारी दी है कि किसी को हानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट था इलेक्ट्रिकल पैनल में, जिसमें CTVS में हुआ था, और यहाँ पे टोटल 5 पेशेंट थे, जिन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। सारे पेशेंट अभी नॉर्मल हैं और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। अब आग क्यों लगी, इसका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि क्या वजह थी, क्योंकि हमारा शेड्यूल टेस्टिंग भी होता है और हमारी टीम अभी लगी हुई है इसको रिवैम करने के। कितने पेशेंट थे टोटल? 5 पेशेंट। और कारण कुछ सामने आया, कोई मशीन में फॉल्ट था? नहीं, मशीन का कोई फॉल्ट नहीं था, इलेक्ट्रिकल पैनल में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसका हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी। जिस मरीज के बेड पे ये फॉल्ट हुआ है उस मशीन में, वो मरीज की कंडीशन क्या है और किसका इलाज हुआ? सर, बेड जहाँ पे मरीज था वहाँ मशीन में फॉल्ट नहीं हुई है, इलेक्ट्रिकल पैनल के कारण धुआं अंदर की ओर बढ़ा, जिसके कारण जो है थोड़ा सा धुआं का डेंस था वहां पे, लेकिन वो सारे पेशेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे यूनिट।